जो ये स्किल है ना, सिस्टम डिजाइन वाली स्किल, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है जब कंपनीज में जाते हो, कि जब स्केल होंगी चीजें तो कैसे हैंडल होंगी। ये अगर तुम्हें सोचना आता है तो बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। मान लो ट्विटर का एग्जांपल लूं मैं, कि नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहा है, उनके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो कैसे रीच आउट होता है सब लोगों को। विराट कोहली ट्वीट कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें सोच समझ के बनाना होता है यार, इतने सारे यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अब उन पे ट्वीट कैसे जाएगा, उन सिस्टम डिजाइन में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, विद एमसीक्यूज अच्छे से बना रखा है। सो डू चेक आउट दैट गाइड पाथ, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर। सर, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अ कंप्लीट रोड मैप फॉर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विच इज सिस्टम डिजाइन। तो यार, स्पेशली जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो तुम कोड तो कर रहे हो, बट जो ये स्किल है ना, सिस्टम डिजाइन वाली स्किल, अगर तुम्हारे पास ये अच्छी होगी, तुम बहुत ज्यादा ग्रो करोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है जब कंपनीज में जाते हो, कि जब स्केल होंगी चीजें तो कैसे हैंडल होंगी। ये अगर तुम्हें सोचना आता है तो बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, सो मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूं कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए सिस्टम डिजाइन, कहां से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। ओवरऑल तुम्हें क्लैरिटी मिलने वाली है। सो स्टे टिल एंड द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने और भी रोड मैप्स बना रखे हैं, DBMS, OS, डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटेटिव, फॉलो दोज रोड मैप्स एज वेल, और सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, है ना। वीडियोस आती रहती हैं, हेल्पिंग वीडियोस आती रहती हैं, जो तुम मांगते हो कंटेंट वो तुम्हें मिल रहा होता है। सो डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिस्टम डिजाइन के बारे में बात करना। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ क्यों पढ़ना है हमें सिस्टम डिजाइन। देखो, सिस्टम डिजाइन स्पेशली जो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं उनके लिए तो बहुत क्रिटिकल होता है, राइट। कि यार, मान लो ट्विटर का एग्जांपल लूं मैं, कि नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहा है, उनके तो इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो कैसे रीच आउट होता है सब लोगों को। विराट कोहली ट्वीट कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें सोच समझ के बनाना होता है यार, इतने सारे यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अब उन पे ट्वीट कैसे जाएगा, राइट। ऐसी ऐसी चीजें सोचना। बुक माई शो में यार, हम टिकट बुक कर रहे होते हैं, है ना, अब उसी टाइम पे कोई और बंदा भी टिकट बुक कर रहा है, ये सब चीजें कैसे हैंडल होती हैं, जब स्केल हो जाती है चीजें तो कैसे कैसे हैंडल हो रही होती है। इसके लिए हमें सिस्टम डिजाइन अच्छे से पढ़ना पड़ता है। एक्सपीरियंस पीपल के लिए तो बहुत जरूरी है, फ्रेशर्स के लिए भी कुछ कंपनी सिस्टम डिजाइन पे पूछने लगी हैं। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल बिल्कुल भी नहीं, बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिजाइन बिल्कुल पूछ लिया जाता है, बिकॉज दे वॉन्ट कि यार बंदे को आए तो सारी चीजें बिल्कुल बेस से ना सिखानी पड़े, कुछ चीजें सीख के आया हुआ हो तो वो ज्यादा रेलिवेंट होगा। स्पेशली इन दीज डेज, जब ये कोविड का माहौल हो गया, तो मतलब उनको ना ट्रेन करने में टाइम लगता है, बिकॉज ऑनलाइन ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल होती है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा दे एक्सपेक्ट अ सिस्टम डिजाइन काइंड ऑफ स्किल फ्रॉम द फ्रेशर एज वेल। ठीक है, ऑब्वियसली हार्ड लेवल नहीं होगा, बट बेसिक लेवल रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस वालों के लिए डेफिनेटली थोड़ा हार्ड लेवल आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड थिंग इज अ रिसोर्स, कहां से पढ़ सकते हैं। तो यार, हमारे पास सिस्टम डिजाइन का एक गाइड पाथ है, विच इज अ फ्री रिसोर्स, उसका मैं लिंक डलवा दूंगा। उसमें पूरा एक जो मैं इस रोड मैप में बताने वाला हूँ, वो सारी चीजें कवर्ड है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम डिजाइन कवर्ड है, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, बुक माई शो, ट्विटर, ये सब बहुत सारे सिस्टम डिजाइन है जो हमने बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं, कि उन सिस्टम डिजाइन में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, विद MCQs अच्छे से बना रखा है। सो डू चेक आउट दैट गाइड पाथ, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सेकेंड इज, हमारे पास कोर्स भी है, उसके अंदर पूरा वीडियो के साथ, विश्वा मोहन है, काफी अमेजिंग फैकल्टी है जिन्होंने पूरा वीडियोस के साथ समझाया है। वीडियो से समझने में बहुत ज्यादा फोकस होता है, तुम्हारे कोई भी डाउट होते हैं तो वो TA सपोर्ट होता है, वहां से सॉल्व हो जाता है। सो रिसोर्सेज के टर्म्स में ये दोनों है, डू चेक आउट बोथ ऑफ दीज, जो तुम्हारा मन करे वो करना, है ना। अब चलते हैं हमारे रोड मैप के बारे में, कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है सिस्टम डिजाइन में। देखो, सबसे पहले सिस्टम डिजाइन में बेसिक्स पढ़ने होते हैं, कि जो चीजें, जो भी हम सिस्टम डिजाइन की प्रॉब्लम हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, तो इन टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे, जैसे अवेलेबिलिटी, कॉन्करेंसी, कंसिस्टेंसी, राइट, लेटेंसी, बैंडविड्थ, थ्रूपुट, ये सब चीजें काफी क्रिटिकल हो जाती हैं व्हेन यू आर सॉल्विंग अ सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम। और भी चीजें होती है टेक्निकल चीजें, ये सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मतलब क्या है इन चीजों का, है ना। सो डोंट मिस दीज थिंग्स। जब तुमने ये बेसिक चीजें पढ़ ली, अब एक्चुअली हम पढ़ते हैं कि जो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी ना, कि यार नेटफ्लिक्स में वीडियो प्रोसेसिंग कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट, उनके लिए ना हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, चीजें चलती कैसे हैं, जो हमारा पूरा टेक का आर्किटेक्चर बना हुआ है वो बना कैसे है, राइट। तो हम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं,
राइट, HTTPS, TCP, प्रोटोकॉल्स वगैरह, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं बेसिक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि क्लाइंट और सर्वर इंटरैक्ट कैसे करता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स वी रीड। उसके बाद वी रीड अबाउट स्केलिंग, राइट, कि राइट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, एक वर्टिकल स्केलिंग होती है, कि अगर स्केल हो रही होंगे तो क्या सर्वर्स बढ़ाते रहेंगे या एग्जिस्टिंग सर्वर्स में से कुछ ना कुछ करके हम जुगाड़ कर सकते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वी रीड अबाउट लोड बैलेंसर्स, है ना, कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से सर्वर पे भेजनी है, वो लोड बैलेंसर का काम होता है। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि क्लाइंट सर्वर का इंटरेक्शन हो रहा है, जब स्केल हो रही होती है चीजें तो कैसे स्केल करें और लोड बैलेंसर्स कैसे हैंडल करते हैं उन रिक्वेस्ट को। दिस वी रीड इन बेसिक सिस्टम डिजाइन। इतना अगर हमें आइडिया होगा तो हमें पता होगा पीछे चलती कैसे है चीजें, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक चीज बोलूंगा यार, सिस्टम डिजाइन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी DBMS के अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज सब कुछ DB का खेल है, राइट, डेटाबेस में सब कुछ चीजें स्टोर हो रही हैं, रिक्वेस्ट जा रही हैं, तो कुछ लॉग इन कर रहा है कोई, कोई लॉग आउट कर रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, तो सब कुछ डेटाबेस के थ्रू ही हैंडल हो रहा है। तो DBMS की थोड़ी अच्छी नॉलेज होगी, थोड़ी सी नेटवर्किंग की अच्छे से नॉलेज होगी, तो सिस्टम डिजाइन पढ़ने में मजा आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सिस्टम डिजाइन पढ़ने से पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स और DBMS को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, एंड OS एज वेल, तो OS की भी थोड़ी क्लैरिटी होगी तो दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। सो इन चीजों को मिस मत करना, फिर मजा आएगा सिस्टम डिजाइन पढ़ने में, बिकॉज ये फंडामेंटल्स बनाते हैं तुम्हारे OS, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स, और उसके बाद तुम्हारा सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो यार मैंने इतना बात बता दिया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, लोड बैलेंसर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग, दीज आर फ्यू थिंग्स। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, टेक्निकल चीजें जो हमें बताती हैं कि चीजें तेज कैसे चलती हैं, जैसे शार्डिंग हो गया, कैशिंग हो गया, राइट, कैशिंग मतलब हम तो हमारे क्रोम ब्राउजर में कुछ चीजें स्टोर हो जाती है कि यार सब डेटा ना लाना पड़े, कुछ ना कुछ पहले से पड़ा हो वो यूज हो जाए, राइट। फिर हम पीयर टू पीयर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, तुमने बहुत ज्यादा देखा होगा कि प्रॉक्सी कह रहे होते हैं, तो वो क्या हो रहा था, उन टेक्निकल चीजों के बारे में पीछे पढ़ते हैं। फिर रेप्लिकास के बारे में पढ़ते हैं, रिडंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब डेटाबेस तो एक है बट मान लो वो डेटाबेस गड़बड़ हो गया तो क्या उसका हमने कोई रेप्लिका बना रखा है, राइट, एक हफ्ता पुराना डेटाबेस ऑलरेडी है आपके पास, तो ये रेप्लिकास बनाने बहुत जरूरी होते हैं जिससे कि कुछ डेटा का लॉस हो जाए तो उसका कुछ रिकवरी हो। सो रिडंडेंसी, रेप्लिकास, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम एक इंडेक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, मैंने DBMS में बताया था इंडेक्सेस नाम की चीज होती है जो तुम्हारा फास्ट रिट्रीव करने में डेटा में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो प्राइमरी इंडेक्सिंग, बी इंडेक्स, उसमें डेटा स्ट्रक्चर वगैरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि अच्छा इंडेक्सेस से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो तुम मैंने डिस्कस करना है, इंस्टाग्राम, सिस्टर, जोमैटो, बुक माई शो, ये सब जो स्केलिंग में काम आती है, तो दीज थिंग्स की अगर अच्छे से क्लैरिटी होगी तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, है ना। फिर हम डेटा पार्टीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं, वर्टिकल पार्टीशन हो गया कि पार्टीशन कैसे करना है डेटाबेस में, है ना। फिर उसके बाद टेक्निकल चीजें हैं और डेटाबेसेस में थोड़ा और क्लैरिटी से समझ सकते हैं, मैसेज क्यूज, राइट, ऐसा नहीं हो कि DBMS में एक साथ चार लोग पुट करे जा रहे हैं, पहले क्यू बना देते हैं मैसेज क्यूज करके कि पहले तू जाइयो फिर तू जाइयो, ऐसी टाइप की चीजें चल रही होती हैं, है ना। पोलिंग हो गया, वेब सर्वर हो गया, वेब सर्वर इतना इंपॉर्टेंट है कि यार सबके पास सर्वर का एक्सेस नहीं होना चाहिए, हमें करना है कि यार जो मेन टीम है उसके पास सर्वर का एक्सेस हो, बाकी के पास कुछ कुछ चीजों का एक्सेस हो, रीड ऑनली एक्सेस हो, किसी के पास रीड एंड राइट ऑनली एक्सेस है, वैसी वाली चीजें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कैप थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन है वाली चीजें, और फिर उसके बाद हम कंसिस्टेंट हैशिंग, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, दीज आर द फ्यू टेक्निकल चीजें जो तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे इनके पीछे क्या हो रहा है हमारे गाइड पाथ के थ्रू या कोर्सेज के थ्रू, तुम्हें बेसिक टेक्निकल चीजें, है ना, मैं उसकी चीजों में डीप में नहीं जा सकता, बट अगर इन चीजों के बारे में पढ़ोगे तो अब जो तुम्हारा मेन पार्ट आता है, इन सब चीजों के बारे में अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया, क्या क्या चीजें हैं मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहले नेटवर्क एंड आर्किटेक्चर अच्छे से समझ लिया, जो ये HTTPS वगैरह होता है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं हमें समझ में आ गया वो कैसे चलते हैं, फिर हमने कैशिंग वगैरह के बारे में पढ़ लिया, शार्डिंग एंड कैशिंग, फिर हमने पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, रिडंडेंसी, रेप्लिकास, रेप्लिका जैसे मैंने बताया DBMS की कॉपी बना के रख लो, है ना, लॉस ना हो चीजें, इंडेक्सेस, डेटा पार्टीशनिंग और मैसेज क्यूज वगैरह, पोलिंग क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है कि किसके पास एक्सेस हो किसके पास ना हो, राइट, कैप थ्योरम, कंसिस्टेंट हैशिंग, हैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो तुम्हारी चीजें पहले से स्टोर करके रखता है तो चीजें तेज चलती है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स, ये सब चीजें जब पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा पीछे क्या चल रहा होता है। नाउ यू नीड टू सॉल्व सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम्स,
जैसे मैंने बात करा, बहुत सारे सिस्टम डिजाइन है अपने पास, अपने पास गाइड पाथ में भी ये सब भी है, नेटफ्लिक्स में वीडियो प्रोसेसिंग क्या होता है, राइट, ऐसे ऐसे चीजें। पहले नेटफ्लिक्स का लो लेवल डिजाइन कैसे बना होगा, फिर हाई लेवल डिजाइन कैसे होगा, राइट, इतने सारे यूजर्स एक साथ देख रहे हैं तो कैसी चीजें हैंडल होती हैं, नेटफ्लिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्विटर में मैंने बोला कि बहुत लाइक बड़े बंदे ने ट्वीट करा तो कैसे रीच आउट होता है लोगों को, ऐसी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। यूआरएल शॉर्टनर बहुत ही कॉमन इंटरव्यू प्रॉब्लम है कि यूआरएल शॉर्टनर जो हम बिटली लिंक्स वगैरह यूज करते हैं वो कैसे बने होते हैं, वो कैसे चल रहा होता है, वो उसके बारे में अच्छे से पढ़ो। ऊबर के सिस्टम में ऊबर का आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि उसका वो यूजर को एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा देता है, वो कैसे चल रहा है, इतने बड़े स्केलिंग में ऊबर दुनिया भर के लोग यूज कर रहे हैं, बट वो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल कैसे चल रहा है, दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेट सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके अंदर तुम्हारी जो टेक्निकल चीजें अगर अच्छे से पढ़ी होंगी ना तो तुम्हें सॉल्व करने में मजा आएगा। इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ो, राइट, इंस्टाग्राम में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बुक माई शो में जैसे मैंने बोला टिकट्स बुक होती हैं वो कैसे सॉल्व होता है। जोमैटो आई थिंक पूरा फूड डिलीवरी नेटवर्क हो गया है, राइट, तो कैसे हैंडल हो रहा है इतने बड़े सिस्टम में कि कोई चीज़ें फट नहीं रही हैं, ढंग से सॉल्व हो रहा है, राइट, तुम्हारी फटाफट से ऐप से ऑर्डर हो जाता है, सब कुछ ढंग से चल रहा है। ड्रॉप बॉक्स, राइट, तुम सारी चीज़ें ड्रॉप बॉक्स में स्टोर करते हो, वो कैसे चल रहा है। पोस्ट बिन है, दीज आर द फ्यू सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हर सिस्टम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ो, जिससे कि जब भी तुम कहीं काम कर रहे हो वो तुम्हारी ये जो टेक्निकल चीजें तुम्हें यूज करना आ जाएगा, तुम्हारे को इंटरव्यू निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत सही हो जाता है। तुम केवल शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हो कि अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, तुम ऐसे सोचने लगते हो कि यार जब चीजें स्केल होंगी तो ये सही चलेगा, राइट। तो सॉल्यूशन ऐसा बनाना होता है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जब चीजें स्केल होंगी तो फटे ना, राइट, मतलब अभी अगर 100 यूजर्स आ रहे हैं एकदम से अगर 1 मिलियन यूजर्स आ जाए तो फटेगा तो नहीं, ऐसा तो कोड नहीं लिख रखा। वो सब चीजें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम बात करते हैं उन्हीं टेक्निकल टर्म्स की अवेलेबिलिटी, थ्रूपुट, राइट, बैंडविड्थ, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं एंड वी सॉल्व अ सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम, है ना। सो ये सारी चीजें हैं, अगर तुमने अच्छे से कर ली, वो रोड मैप अच्छे से फॉलो कर लिया और बाद में ये 7 से 8 सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, दैट विल बी रियली रियली प्रोडक्टिव फॉर यू, तुम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। और मैं रिकमेंड करूंगा फ्रेशर्स को भी पढ़ना, बेसिक्स पढ़ो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, बेसिक्स पढ़ो, और एक्सपीरियंस वालों को तो पक्का कहूंगा यार डिटेल में पढ़ो, है ना। रिसोर्सेज मैंने बताई दिए, गाइड बात है हमारा कोर्स है, दोनों का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, डू चेक आउट दैट। बाकी तुम्हारी कोई और रिक्वायरमेंट हो, तुम्हारे को कोई और रोड मैप चाहिए हो, ये तुम्हें चाहिए तो मैंने दे दिया फटाफट, है ना, कोई और रोड मैप चाहिए हो, कोई और चीजों की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज टेल मी द कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर कर देना वीडियोस को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई और रिक्वायरमेंट हो अदर देन रोड मैप्स की, मुझे इस टाइप की चीजों में बता दो वीडियो में, दैट आई विल ट्राई टू कैटर इट, बिकॉज जो तुम्हारा डाउट होता है वो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है ना। सो उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से देखो, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। ओके, गुड लक।